नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, कहां तक पहुंची चूरू की तारानगर सीट की विकास यात्रा? विधायक नरेंद्र बुडानिया की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। चूरू की तारानगर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में शुमार रही है। यहां के शासक तारा सिंह के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। इससे पहले इस क्षेत्र का नाम रिणी था। यहां एक पुराना किला है जो गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल तहसील कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। यहां एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि सबसे पुराना है। इस जैन मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। तारानगर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई। यहाँ से जनता पार्टी के मनीराम पहले विधायक बने। 1990 से लेकर अब तक 7 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार जीत मिली। कांग्रेस ने 1990 से लेकर 2003 तक लगातार 4 चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2018 में बीजेपी के राकेश जांगिड़ को मात दी थी। इससे पहले 2013 में बीजेपी से जय नारायण पूनिया ने जीत हासिल की थी। इसी तरह 2008 में बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ विधानसभा पहुंचे। जातीय समीकरण की बात करें तो तारानगर विधानसभा सीट में 2,55,000 मतदाता हैं। ये जाट बहुल सीट है, लेकिन जहां एससी और ओबीसी मतदाता चुनावों के नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा 55,000 एससी एसटी और 50,000 ओबीसी समुदाय से मतदाता हैं, जबकि 30,000 राजपूत और ब्राह्मण समुदाय से मतदाता आते हैं। वहीं 30,000 मुस्लिम और 5,000 वैश्य मतदाता हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो तारानगर विधानसभा सीट रेल सेवा से वंचित है। तारानगर शहर में बरसाती और गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान नहीं है। यहाँ के लोगों की सरकारी बीएड कॉलेज और सरकारी लॉ कॉलेज की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही किसानों की नहर का सिंचित रकबा बढ़ाने और नहर का दायरा बढ़ाने की बात है। युवाओं की मांग रोजगार की साधन बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करवाने की रही है। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री और दबंग माफिया का आतंक सिरदर्द बना हुआ है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने विकास कार्यों से तारानगर का कायाकल्प करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत करवाया गया है। साथ ही उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मंजूर करवाने और गाँव में घर घर पेयजल कनेक्शन योजना शुरू कराने की बात कही है। राजस्थान के अंदर कहीं भी काम चला है नहर का तो तारानगर नाम है। तारानगर एक ऐसा जगह है जहाँ नई नहर बनी है 120 किलोमीटर जो किसानों के लिए जीवन रेखा होगी। किसान जो है वहाँ के किसान समृद्धशाली होंगे। वो समृद्धशाली होंगे, अनाज पैदा करेंगे, वो अनाज बाजार में आएगा तो हमारे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी उनको लाभ होगा। तो ये जो नहर का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरा तो संकल्प है तारानगर के प्रत्येक गांव में नहर को जोड़ने का और ये मेरे सामने काटने वाले हैं। देखते हैं कौन जीतता है, काटने वाला जीतता है या बनाने वाला जीतता है। कांग्रेस ने जहां यहां से एक बार फिर नरेंद्र बुड़ानिया पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर अपना दांव खेलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। जब से ये विधानसभा क्षेत्र का सर्जन हुआ है तब से या नहर का एक मुद्दा बना रहा, या रेलवे के लाइन लाने का मुद्दा बना रहा, या पीने के पानी की समस्या के समाधान का मुद्दा बना रहा, या गांव के विकास का मुद्दा बना रहा, या बिजली की उपलब्धता का मुद्दा बना रहा। परंतु कांग्रेस का शासन जब जब आया इन सारे मुद्दों के बारे में घोषणाएं बड़ी जोर शोर से की गई। 2019-20 के अंदर कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के अंदर लंबी चौड़ी घोषणा अशोक जी गहलोत ने की और आज जब मैं वापस जाकर देखता हूं तो वो घोषणाएं कहीं कागजों में दफन है तो कभी कहीं घोषणाओं के नाम पर छोटा मोटा काम हुआ है। जाट बहुल सीट पर किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है।
कांग्रेस भी अपनी तरफ से दोबारा मैदान मारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैसे राजेंद्र राठौड़ का रिकॉर्ड रहा है, वो कभी भी चुनाव नहीं हारे। यहाँ पर दरअसल नरेंद्र बुढ़ानिया सिटिंग विधायक हैं, इसीलिए उनके लिए चुनौती भी बड़ी होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चुरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के अंदर कहीं भी काम चला है नहर का तो तारानगर नाम है। तारानगर एक जगह है जहाँ नई नहर बनी है 120 किलोमीटर, जो किसानों के लिए जीवन रेखा होगी। किसान जो है वहाँ के किसान समृद्धशाली होंगे, वो समृद्धशाली होंगे, अनाज पैदा करेंगे, वो अनाज बाजार में आएगा, तो हमारे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी उनको लाभ होगा। तो ये जो नहर का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरा तो संकल्प है तारानगर के प्रत्येक गांव में नहर को जोड़ने का, और ये मेरे सामने काटने वाले हैं। देखते हैं कौन जीतता है, काटने वाला जीतता है या बनाने वाला जीतता है। जब से ये विधानसभा क्षेत्र का सर्जन हुआ है तब से यह नहर का एक मुद्दा बना रहा, या रेलवे की लाइन लाने का मुद्दा बना रहा, या पीने के पानी की समस्या के समाधान का मुद्दा बना रहा, या गांव के विकास का मुद्दा बना रहा, या बिजली की उपलब्धता का मुद्दा बना रहा। परंतु कांग्रेस का शासन जब जब आया, इन सारे मुद्दों के बारे में घोषणाएं बड़ी जोर शोर से की गई। 2019-20 के अंदर कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के अंदर लंबी चौड़ी घोषणा अशोक जी गहलोत ने की, और आज जब मैं वापस जाकर देखता हूं तो वो घोषणाएं कहीं कागजों में दफन है तो कभी कहीं घोषणाओं के नाम पर छोटा मोटा काम हुआ है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। आज हमें चूरू जिले की तारानगर विधानसभा क्षेत्र में, तारानगर विधानसभा क्षेत्र जहां से नरेंद्र बुढ़ानिया है वो विधायक हैं, उनके द्वारा तमाम तरह के विकास के जो दावे हैं वो किए गए। जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से वो प्रत्याशी हैं। जो विकास के कार्य हैं और कौन कौन सी समस्याएं जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बनी हुई है, इन सब बातों के लिए हमारे साथ तारानगर विधानसभा क्षेत्र के ही लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं किस तरह के विकास कार्य हुए, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी समस्याएं हैं वो यहाँ बनी हुई है, क्या कहेंगे? तारानगर में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्थानीय विधायक जी ने कर दिया है। बहुत थोड़ा कोई काम बचा है वो आगामी चुनाव जीत के विधायक जी पूरा करने वाले हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। विकास कार्यों का जो दावा है वो किया जा रहा है जी, हम तो विकास किसान और मजदूर का विकास समझते हैं। इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा संकट आया, फसल बीमा का आपने भी कवरेज किया, कोई हमारा यहाँ का स्थानीय विधायक हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो कोई नहीं बोला। बीमा कंपनी यहाँ से 3,000 करोड़ रुपया खाकर चले गए। हम लोग लड़े किसान और पूरे है ना चूरू जिले किसानों ने लड़ाई लड़ी, केवल ये जी लोग झूठ बोले। वो हमारे वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ भी आया और ये हमारा विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया भी आया कि हम बात रखेंगे, लेकिन जी इन्हें दोनों नेताओं ने नए तो बात विधानसभा में रखी, नए ना कोई सरकार से बातचीत की। हम लोगों ने लड़कर इसे पूरे इलाके को 3,000 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया है, और अब की बार खास मुद्दा अब की बार किसान सरकार पूरे इलाके के अंदर। मैं गाँव में गया हूँ, केवल जो किसान की बात करेगा वही ये नाराज करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये जो राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पे आया है, 2005 के अंदर हमारी नहर की नसबंदी भाजपा सरकार ने की थी, कोई यहाँ पर नहीं बोला। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 28 अक्टूबर 2005 का निर्णय बदला जाए, वो है निर्णय बदले जाए, वो जनता की ताकत हो, जनता की लड़ाई हो। मैं सीधी सी बात करूँ विकास की, तो वर्तमान में हम ये देखें कि 5 साल में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने विकास कार्य आज तक पीछे की सरकारें रही हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकारें हैं, लेकिन जितना विकास कार्य 2.5 साल बोल रहा हूँ मैं, 5 साल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.5 साल का काल तो कोरोना पीरियड में चला गया था, पूरा का पूरा बजट कोविड में चला गया, लेकिन 2.5 साल के अंदर ऐसे ऐसे अनुकरणीय काम तारानगर तहसील में हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए उप जिला अस्पताल की सौगात मिली, और सबसे बड़ा 20,000 हेक्टर भूमि जो आज सिंचित हो रही है, 10,000 पहले उसकी नहर
बन के तैयार हो चुकी है, 10,000 के टेंडर हो चुके हैं और वो कार्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद हम बात करें आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पूरे राजस्थान में मात्र 3 खुले और 3 है और 3 में से एक छोटे से कस्बे का जिसका नाम कभी राजस्थान के किसी पटल पर नहीं आता था, आज पूरे राजस्थान के पटल पर आ रहा है। विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जितना विकास तारानगर क्षेत्र में होना चाहिए और जितने दावे किए थे, यहाँ जो पिछले चुनाव हुआ था उसमें अपने वर्तमान जो विधायक हैं नरेंद्र जी बुढ़ानिया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनके साथ साथ जो बैद जी ने, यहाँ की जनता ने बैद जी को भी वोट डाले थे और राकेश जी जांगिड़ को भी यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा मत दिए थे। लेकिन यदि यहाँ पे विपक्ष प्रभावी होता, ज़्यादा मुख्यतः विपक्षी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, यहाँ राकेश जी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन राकेश जी अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों के साथ लड़ते रहे, अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहे, क्योंकि वो केवल अनुकंपा नियुक्ति थी उनकी पिछली जो टिकट मिली थी और वही है और उनका कोई वजूद नहीं था। और उन्होंने यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों पे कोई काम विरोध नहीं किया, वर्तमान में जो विधायक थे जो सत्ता में थे उनका विरोध नहीं किया। और नरेंद्र जी बुढ़ानिया जितने सिस्टम से उनको जनता को उम्मीद थी उस हिसाब से उन्होंने विकास कार्य यहाँ पे नहीं करवाए। राजस्थान की राजनीति जाकी किस तरफ रही है, ये एजेंडा है वो राजस्थान में, क्योंकि आपने कहा कि चूरू तारानगर हॉट सीट हो चुकी है, तो राजस्थान की राजनीति किन मुद्दों पे होगी ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसमें किसान का भी मुद्दा होगा, मजदूर का होगा, कर्मचारियों का होगा, व्यापारियों का होगा। जब कर्मचारियों का सवाल आएगा तो ओपीएस एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो विधानसभा में बयान दिया है, जो चिंता इन्होंने प्रकट की है कि इन्होंने तो घोषणा कर दी आने वाली सरकार इसको कैसे पूरा कर पाएगी, मतलब आखा देख लिया जन में ही आऊँगा राज में, कैसे कर पाएगी सरकार, ये आने वाले समय की परिस्थितियों का इश्यू है। नेता बनाम जनता की इन्होंने बात की और भाजपा पे आरोप लगाया कि नहर की नसबंदी की। देखिए, आरोप लगाना इनका अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बात कर रहे हैं 2005 की, राजस्थान में उस समय पीने के पानी का बड़ा क्राइसिस हुआ और जहाँ नहर का निर्माण नहीं हुआ, निर्माण पेंडिंग था, 1980 में स्वर्गीय चंद्रमल बैजी ने उस नहर का यहाँ शुरुआत की और 2005 तक 25 साल वो सत्ता में रहे। वो अगर चाहते तो वही नहर 1985 में 90 में 95 में पूरी हो जाती। हम आप जहाँ भी जनता से जानकारी लेंगे यहाँ पर भ्रष्टाचार का तांडव हुआ। और जिस सरकार की बात करते हैं हम कि यहाँ पर अगर विकास हुए, निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ आज आने वाली सरकार भी विकास करेगी, कोई भी जहाँ पर जनप्रतिनिधि बनेगा उसको तारानगर में विकास करना पड़ेगा। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं यहाँ पर है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर पेयजल आपूर्ति है। आज सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरा, यहाँ पर जो नहरी रकबा काटा गया है उस रकबे अच्छी ज़मीनें हैं, अगर वो रकबा जुड़ता है तो निश्चित तौर से वो भाई ये किसान के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तीसरी बात है, जो भ्रष्ट तंत्र फैला है, चाहे वो पंचायत समिति की बात हो, नगरपालिका की बात हो, चाहे थाने और कोर्ट कचहरी की बात हो, किसान वर्ग को सबसे ज़्यादा लूटा गया है। न किसी के साथ न्याय की बात हुई है, न किसी प्रकार से किसी के साथ न्याय की बात, ये इस सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद की जा सकती है। चुनावों में रहने वाले सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा कि किसानों को पानी मिले और पीने के लिए और सिंचाई के लिए, इसी मुद्दे पर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर और ये काम कंप्लीट करेंगे। कि एक साथी ने अभी कहा था कि राजेंद्र राठौड़ वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने यहाँ उस समय कुछ नहीं किया, इन लोग आज भी राजेंद्र राठौड़ को मंत्री मानते हैं क्योंकि वो आज भी सेवक के रूप में काम करते हैं। तभी सरकार न होते हुए भी लोग सब मंत्री इसलिए कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ सरकार नहीं है, लेकिन सरकार के जितने काम तो वो विपक्ष में बैठ के भी लोगों के करते हैं। आज तक मैंने मेरी 29 साल की उम्र के अंदर पिछले 3 सरकारों का कार्यकाल मैंने देखा है और उससे पहले का सुना और पढ़ा है। तारानगर जो एक छोटा सा कस्बा था जिसके अंदर 25,000 से 30,000 के बीच में शहर के अंदर लोग रहते थे, उस शहर के अंदर पिछले कार्यकाल में जब राकेश जांगिड़ चेयरमैन बने थे, निश्चित रूप से तारानगर शहर के अंदर उन्होंने काम किया था। शहर के अंदर नगर पालिका बनाई थी, एक छोटा पार्क बनाया था और एक बस स्टैंड की मुख्य सड़क बनाई थी। उसके अलावा इस तारानगर शहर के बाहर के वार्डों में काम करने वाला या उससे बाहर तारानगर को देखने वाला और विधानसभा को देखने वाला कोई भी नेता यहाँ नहीं था। जब से
नरेंद्र बुढ़ानिया तारानगर के विधायक बने। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि तारानगर से बाहर से जो शहर के अंदर बनने वाले रास्ते थे, आज 7 मीटर की चौड़ी सड़कें तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 1 मीटर ही नहीं थी, जो सड़कें तारानगर शहर में 6 तरफ से एंट्री कर रही है। सबसे ज़्यादा तारानगर गुडानियों जी भ्रष्टाचार करी है, थाने में थानेदार खुले आम में मोटरसाइकिल ले गए, मेरे कन वो कौन है हैंडबैग लैब या 200 रुपया क्या गए दिए, मेरे पर मुकदमो हो, मैंने कहा कि रुपया 20,000 लगेगा। सबसे फाइनल आठ भ्रष्टाचार थानादार करियो है, गुडानियों जी करियो है। सुनो एक बात सुनो, थे मेरी नहर करे कलास माइंदर 16 किलोमीटर है चुंगोई तानी, मारी मूंगफली बाइडी है किसान रोवा में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ज्वलंत बात आज न्यूज 18 के द्वारा छेड़ी है। प्रमुखतः मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी बातें होगी, किसान के मुद्दे होंगे, वॉशिंग मशीन की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, ये सारे तो आपने सुन ही लिए। जो पूर्व आम जन एक आम नागरिक की आवश्यकता होती है, जल की रोटी की ये जो मुख्य मांगे होती हैं, खाद्य पोर्टल को बंद पड़े आज 5 साल हो गए पूरे, जल जीवन मिशन की जो आज नहर की बात कर रहे हैं, जो नहर से पानी को सिंचित करने की बात कर रहे हैं, अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो हकीकत ये है कि पीने के लिए पानी नहीं है। और जलदाय विभाग PSC इतना गिर चुका है कि एक आम आदमी एक घर में 6,000 रुपये टंकर के 1 महीने की खर्च करता है, 72,000 रुपये पानी पे किए जाते हैं 12 महीने में, और ये लोग उस पानी को खेतों में से कनेक्शन दे दे के उस पानी को बेचते हैं। समस्याओं को बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे अब इस बार रहने वाले थे? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि आदमी जब सुबह उठता है तो उसको कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है, जैसे बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है। इस मामले में केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना थी उसका इतना पैसा आने के बाद भी हमारे विधानसभा में उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो 0 थी। आज प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे जाओ, चाहे छोटी ढाणी में जाओ, कहीं भी जाओ, आज इस गर्मी के नहीं होने के बावजूद भी वहाँ एक एक घड़े पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, किसानों को बिजली के लिए तरसना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार पिछली समय हमारे थी वो उसका कुछ समय तो कोरोना काल में चला गया और कुछ समय उनका होटलों में चला गया, तो उनके विकास के नाम पे जो हमारे यहाँ होना था वो 0 था। मैं ये कहना चाहूँगा जो तारानगर विधानसभा में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे पानी निकासी का बताया था, तो मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे राम मंदिर जिस पर सदियों से मुद्दों की हम बात करना चाह रहे थे, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं, स्थानीय कितना प्रभावित करेंगे? तारानगर में जातीय मुद्दा कोई प्रभावित नहीं करेगा, जो यहाँ जो आपसी भाईचारा है वो ही कायम रहेगा और उसी कायम पर विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और विकास के नाम पे चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। समस्या मेरे नॉलेज में तो ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पेपर लीक मामला हुआ, जिसमें लाखों जवानों का जो छात्र थे उन्होंने मेहनत करके गए और उनका नंबर नहीं आया, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की बात इनके द्वारा कही गई, क्या कहना चाहेंगे चुनावी मुद्दों के बारे में? भाई साहब, मैं नगर पालिका में उपनेता प्रतिपक्ष हूँ, तारानगर में अगर सबसे पहली बात है तो भ्रष्टाचार की है। यहाँ के विधायक ने अपने जाति विशेष के अधिकारियों को लेकर खुलेआम लूट कसोट मचाई है। अगर थाने में कोई परिवादी जाता है ना तो उसकी पहले समस्या नहीं पूछी जाती, उसकी जेब टंडोली जाती है इस पास कितने पैसे है। इतना भ्रष्टाचार से SDM ऑफिस में चल जाओ, तहसील में चल जाओ, बात करें नगर पालिका में, तारानगर विधायक नगर पालिका के चेयरमैन खुलेआम नगर पालिका की सैकड़ों बीघा जमीन पे खुलेआम कब्जा करने के लिए षड्यंत्र बनाया था फर्जी दस्तावेज के। हम तारानगर के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया तब जाके वो मामला रुका। चाहे राजस्व कॉलोनी में हो, राजस्व कॉलोनी में बुढ़ानिया जी ने 8-8 लाख रुपये लेकर फर्जी पट्टे आवंटन की थी, लेकिन जैसे ही हमने मुद्दा उठाया तो उन्होंने पट्टा बुक वो रसीद बुक सब गायब कर दी। तारानगर के अंदर भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, यहाँ के जो चेयरमैन है उन सिखा खुलेआम भ्रष्टाचार किया। तारानगर में एक सड़क के 3-3 बार पैसे उठे। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं कौन सी हैं? तारानगर में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। हमारे यहाँ से राजेंद्र राठौड़ साहब
अच्छे वोटों से जीतेंगे और सरकार में मुख्य भूमिका में रहेंगे और हमारा सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पीने के पानी की है, उसका समाधान होगा और सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है, वो समाधान होगा। समस्या समाधान की बात कही गई, क्या कहेंगे चुनावी मुद्दों के बारे में? तारानगर में आज वर्तमान में देखें तो यहाँ पर तारानगर शहर या तारानगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। यहाँ की जनता बिल्कुल संतुष्ट है और स्वस्थ है और सुखी है। और जब 2008 में हमारे यहाँ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ने के लिए तारानगर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया, उस टाइम तारानगर विधानसभा क्षेत्र में और कोई जाति कोई धर्म नहीं था, सब भाई भाई थे। और उस समय हमने पहली बार देखा था कि तारानगर में जातियों का अलग अलग मेल किया जा रहा है। वहाँ पर मंत्री जी आज जाटों की मीटिंग ले रहे हैं, कल ब्राह्मणों की मीटिंग ले रहे हैं, परसों राजपूतों की मीटिंग ले रहे हैं, उस दिन अगले वाले दिन SC ST की मीटिंग ले रहे हैं। ये जातीय जो भावनाएं थी वो हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तारानगर विधानसभा में शुरू किया था। उससे पहले हमारे चंद्रमल जी बैद, डॉक्टर CS बैद भी विधायक रहे हैं, उस समय कभी ऐसा नहीं हुआ कि जातीय अलग अलग मीटिंग की जाए। जातीय भेदभाव की बात यहाँ कही गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुद्दों को लेकर तारानगर में हमारे माननीय विधायक महोदय ने कोई जातीय भेदभाव नहीं रखा है। 36 कौम के नेता है, 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अब जो लोग आ रहे हैं वो जातीय द्वेषता फैलाकर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा बिल्कुल नाकामयाब होगा। दूसरी बात आपको बताऊं, मेरे साथी अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, इनलीगल, टोटल इनलीगल, एक भी भ्रष्टाचार का सबूत ये पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल इनके पास एक साहब कहावत कह गए, हिंदू संस्कृति में विधवा जी की तो है नहीं, बने गीत राग में कौन जान दे, बार रोना जगह जाएगा रहे, तो आगे तो आ बात है साहब, रोना जगह रहेगा तो जूठा आरोप लगाना है, कोई बात नहीं है। विकास के काम अगर मैं आपको गिनवाऊं तो 1 घंटा लगेंगे साहब। समस्याओं की बात करें तो तारानगर विधानसभा समस्याओं की बात करें तो तारानगर विधायक जी ने जल जमील जंगल को कहीं सुरक्षित नहीं रखा। जल की बात करूंगा तो पानी की बहुत बड़ी, यहाँ के जो IN साहब है इनके हमने हजारों बार यहाँ धरने प्रदर्शन किए हैं। और जमीन की बात करूंगा तो तारानगर में 200 बीघा जमीन का बहुत बड़ा ज्वलनशील जो मुद्दा था, पूरा तारानगर की रूह कांप उठी थी। और जंगल की बात करें तो यहाँ पे फर्जी रजिस्ट्रियों के हिसाब से विधायक जी ने मिलकर सभी के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। थाने की नीलामियों की बात करें तो ये सावा थाने में पकड़ा डीजल था और वो पानी हो गया, पानी की नीलामी हुई है। और हर जगह विधायक जी ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पटवारी से लेकर तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर थानेदार, थानेदार भी विधायक जी ने अपने पैसों, जो विधायक जी की जेब गर्म करता है उसी को थानेदार बनाया गया है, बाकी किसी को नहीं। स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहने वाले हैं? क्यों नहीं, मैं स्थानीय सावा से हूँ भाई। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जल पेयजल की व्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पे है और हमारे सावा में बहुत बड़ी पेयजल की समस्या है। जो IGNP कॉलोनी बनी गई थी, जो कॉलोनी IGNP की पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया है। और वहाँ पे जो हमारा जो IN एक्शन ऑफिस था वो माननीय तारानगर विधायक जी ने वो ललानिया फीडर में वहाँ से स्थापित कर दिया। और ललानिया फीडर स्थापित करने के बाद अब एक नया कनेक्शन लेने के लिए वहाँ जब जाना पड़ता है तो हमें कम से कम 200-400 रुपये का खर्चा करके जाना। तो ये थी तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिनके द्वारा विकास के कार्यों को बताया गया, उन समस्याओं और मुद्दों के बारे में भी बताया गया जो कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर और रहने वाले हैं। मैं तारानगर से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवाड़ी के साथ मनोज शर्मा।